अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। बहादुरी और बुज़दिली इंसान की बुनियादी खसलतों में एक है। वैसे तो वो कहते हैं कि अपनी गली में हर कोई बहादुर होता है, अपने इलाके में हर कोई बहादुर होता है, अपने शहर में हर कोई बहादुर होता है, लेकिन असल बहादुरी वो है जिसकी तारीफ़ अपने नहीं बल्कि गैर करें, और गैर भी वो जो आपकी जान के दुश्मन हों। इस बात को हमेशा तरजीह देता हूँ कि अगर कोई दुश्मन ये कहे कि आप बहादुर हैं तो आप वाकई बहादुर हैं, लेकिन अगर कोई अपना सिर्फ मरव्वत में आपको ये कह दे कि जी आप बहुत बहादुर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, तो बात नहीं बनती। इसी तरह जो लोग फ़ौज में आते हैं हमारे यहाँ ख़ास तौर पर या वो पाकिस्तान आर्मी में, तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे शहादत का रुतबा नसीब हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि शहीद कभी नहीं मरते, शहीद ज़िंदा रहते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में कई शहदा का खून शामिल है। अगर मैं ये कहूँ कि वो लाखों थे तो बिल्कुल मुबालगा आरई नहीं है। लाखों अफराद ने अपनी जान के नजराने पेश किए, लाखों खवातीन ने अपनी इज्जतें जो है वो पामाल करवाई, अपने अज़ा कटवाए, मालो असबाब लुट गया, और वो जिस हाल में पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुँचे वो अल्लाह किसी को ना दिखाए। लाहौर का जो वाल्टन एयरपोर्ट है आज भी इस बात की गवाही देता है कि वहाँ सिर्फ लाशें आया करती थी, वहाँ सिर्फ लुटे पुटे लोग आया करते थे। लाहौर रेलवे स्टेशन, वहाँ भी ट्रेन में मुसाफिर नहीं आते थे बल्कि लाशों से भरी हुई ट्रेनें आया करती थी। जब इस्तेहकाम पाकिस्तान की बारी आई तो दुश्मन ने हम पर 3 से ज़ायद जंगें मुसल्लत की। वैसे तो 1948 में कश्मीर की जंग भी हुई, राणा कच्छ की मामलात भी हुए, और उसके बाद जो है वो 1965 की जंग रात के अंधेरे में उसने शुरू की और बग़ैर बताए हुए वो हमारे वतन की सरहदें पार करके अंदर दाखिल हो गया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि लाहौर जिमखाना में, उनके एक जो जनरल थे उन्होंने कहा जी कि आज रात लाहौर जिमखाना में शराब की पार्टी होगी, लेकिन जो पाकिस्तान फ़ौज के सपूत थे उन्होंने इस ख्वाहिश को या इस उसके इरादे को नाकाम बनाने के लिए जानों के नजराने पेश किए, और वीआरबी नहर उनके लिए एक ऐसी हद फासिल बन गई जिसे वो चाह कर भी अबूर नहीं कर सके। उसके बाद 71 की जंग हुई। 71 की जंग में ये हुआ कि उसी हमारे अजली दुश्मन भारत ने हमारे पाकिस्तानी बंगाली भाई थे उन्हें बगावत पर उकसाया और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, और वो एक टुकड़ा जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहा करते थे आज बांग्लादेश की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। उसके बाद 1999 आ गया। 1999 में कारगिल का मार्का हुआ। कारगिल के मार्के में बहुत से लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और अगर वो जंग ना रुकती तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि आज श्रीनगर हमारा होता। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के मज़ार पर आया हूँ जिसे कारगिल का हीरो कहा जाता है, और ये हीरो हम नहीं कहते, ये हीरो इसे उसके दुश्मन कहते हैं, वो जो इस पर गोलियां बरसा रहे थे, जो इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उन्होंने इसे कारगिल की जंग का हीरो करार दिया था, और इसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजे गए कैप्टन कर्नल शेर खान। इस वक्त इनका मज़ार ज़ेर तामीर है सवाबी से चंद किलोमीटर के फासले पर। नवाकली का जो गांव है वो कर्नल शेर खान का आबाई गांव है, उसका नाम तब्दील करके अब कर्नल शेर खान के नाम पर रखा गया। इसी तरह सवात मोटरवे का जो इंटरचेंज है उसका नाम भी कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम पर रखा गया है। और इसकी बहादुरी जो मैं ज़िक्र कर रहा था कि कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश तकरीबन 17 रोज़ के बाद जो है वो दुश्मनों ने हमारे हवाले की, और कैप्टन साहब की जेब में एक बाकायदा चिट मौजूद थी जो सेक्टर कमांडर था कारगिल का ब्रिगेडियर, उसने लिख के डाला हुआ था कि जी इसकी बहादुरी की गवाही हम देते हैं। ये बहुत बेजिगरी से लड़ा और इस बेजिगरी की हम तवक्को नहीं करते थे। तो आप ये सोचें कि जिस शख्स की जो बहादुरी की गवाही है वो उसके दुश्मन दें, वो वाकई बहादुर होगा।
मकबरा पहले से मौजूद था, ऐसा नहीं है कि मकबरा पहले नहीं था, लेकिन अब इसकी नए सिरे से तज़ीन व आराइश की जा रही है। ये जो मकबरे की दीवार है, लबे सड़क है, जो सड़क सवाबी से मर्दान को जा रही है, उस सड़क के किनारे जो है ये मकबरा वाक़ है। यह जी प्राइड ऑफ हैदरियन, निशान हैदर का जो निशान, निशान हैदर का जो एज़ाज़ हमारे अफसरों को जो है वो मिलता था, उसमें बाद में कुछ सिपाही भी शामिल हुए उन्हें भी मिला। तो यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि प्राइड ऑफ हैदरियन, यानी जो है वो हैदरों की भी ये इज्जत है। हम कैप्टन कर्नल शेर खान की कब्र आपको दिखाते हैं जो मौजूद है। वैसे बाकी इमारत जो है वो ज़ेर तामीर है, ये उसका एक मंजर है। इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद जब हो सकता है आप लोगों में से कोई यहाँ देखने के लिए आए तो ये एक बड़ा अजीमुशान किस्म का मकबरा होगा। ये सामने कर्नल शेर खान की तुर्बत, जिसे नए सिरे से जो है वो बनाया जा रहा है। कुर्बान जाऊँ इन शहीदों के जो इस वतन पर कुर्बान होते हैं, अपनी जानें, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और ये सोचकर मैदान में उतरते हैं कि अगर बच गए तो गाजी और अगर मारे गए तो शहीद। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी का कोई भी जो फौजी है या अफसर है उसके दिल में शहादत की ख्वाहिश मौजूदा ना हो। यहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया गया है, आइए आपको वो म्यूज़ियम दिखाते हैं। उसमें अपना कैप्टन कर्नल शेर खान की जो ज़ाती इस्तेमाल की अशिया थी वो रखी गई हैं। वो साइकिल जो वो चलाया करते थे, जो वो यूनिफॉर्म जो वो ज़ेब-ए-तन किया करते थे, आइए आपको वो दिखाते हैं। ये मकबरा तो जब मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि मैं जो है वो दोबारा मैं आऊँ और ये मकबरा आपको दिखाऊँ कि ये इसकी क्या शान और शौकत होगी। लेकिन फिल वक्त हम आपको वो अशिया दिखाते हैं जो कैप्टन कर्नल शेर खान के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को जीटी रोड से मिलाने वाले आईजीपी रोड का नाम कैप्टन कर्नल शेर खान रोड रखा गया है। सवावी में कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम पर एक कैडेट कॉलेज भी है, जबकि इस नाम पर मुल्क के दीगर इलाकों में भी कुछ टाउन, सड़कें और तालीमी इदारे मौजूद हैं। लेकिन बहुत कम लोग उस कर्नल शेर खान को जानते हैं जिनके नाम पर कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम रखा गया। कैप्टन कर्नल शेर खान 1999 में कारगिल के गुलतरी सेक्टर के एक पहाड़ पर दादा शुजात देते हुए शहीद हुए और कर्नल शेर खान 1948 में पूंछ के छज्जा पहाड़ पर शहीद हुए। इन दोनों शहीदों में बहुत मुमासलत पाई जाती है। दोनों कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। कैप्टन 5 जुलाई 1999 और कर्नल शेर खान 9 जुलाई 1948 को शहीद हुए। कैप्टन कर्नल शेर खान के दादा गालिब खान का ताल्लुक खैरपुर के ज़िला सवाबी के गांव नवाकिली से था और वो 1948 के जिहादे कश्मीर में कर्नल शेर खान के साथ थे। 1 जनवरी 1970 को उनके यहाँ पोते ने जन्म लिया तो उन्होंने उसका नाम कर्नल शेर खान रखा ताकि तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक मुजाहिद का नाम हमेशा जिंदा रहे। तहम उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके पोते की ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लेंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स के मुसन्निफ अशफाक हुसैन बताते हैं कि कर्नल लफ्स शेर खान के नाम का हिस्सा था और वो इसे बहुत फख्र से इस्तेमाल करते थे। कई बार इससे काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाती थी। जब वो फ़ोन उठाकर कहते लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग तो फ़ोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग अफसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर मुस्कुरा कर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं, मैं अभी आपकी बात कमांडिंग अफसर के साथ करवाता हूँ। कर्नल शेर ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शमूलियत इख्तियार की थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उन्हें दाढ़ी साफ करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके आखिरी सेशन में उनसे दोबारा कहा गया कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है, अगर आप दाढ़ी साफ कर देते हैं तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है।
लेकिन उन्होंने दोबारा इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर की पोजीशन दी गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उनके एक साल जूनियर कैप्टन अलीउल हुसैन बताते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। वह दूसरे अफसरों के साथ स्क्रैबल खेला करते थे और अक्सर जीतते थे। जवानों के साथ भी वो आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ लूडो खेलते। कारगिल पर शाया होने वाली एक और किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार की मुसन्निफा रिचना बश्त रावत का कहना है कि पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल पर 5 मकामात पर अपनी चौकियां कायम कर रखी थी। पहले 8 सिख रेजिमेंट को उन पर कब्जा करने का काम दिया गया, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। बाद में जब 18 ग्रेनेडियर्स को भी उनके साथ लगाया गया तो वो किसी तरह इस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हुए। लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान ने जवाबी हमला किया। पहली बार नाकाम होने के बाद उन्होंने अपने फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला किया। जो ये जंग देख रहे थे वो सब कह रहे थे कि ये खुदकुश हमला था। वो जानते थे कि ये मिशन कामयाब नहीं होगा क्योंकि इंडियन फौजियों की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी। कारगिल में भारतीय फौज को कमान करने वाले ब्रिगेडियर बाजवा कहते हैं, कैप्टन शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक नौजवान कृपाल सिंह जो जख्मी पड़ा हुआ था उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक बर्स्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। उनके मुताबिक पाकिस्तानी हमले के बाद हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफनाया, लेकिन मैंने पोर्टर्स भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया और हमने उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज़ का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था, NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की सिंध रेजिमेंट से था और कारगिल की लड़ाई में वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से मुंसलिक थे। कैप्टन शेर खान January 1998 में डोमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब इंडियन फौजी पीछे चले गए तो वो चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्जा कर लें। इस सिलसिले में वो आला अफसरान से अभी इजाज़त लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि कैप्टन शेर खान ने इत्तला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल अशफाक हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं, कमांडिंग अफसर तजब्जब में थे कि क्या करें। उसने अपने आला हुक्काम तक बात पहुंचाई और उस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी पोस्ट की बहुत सी अलामती चीज़ें, मसलन इंडियन फौजियों की वर्दियाँ, दस्ती बम, वाइकर गन के मैगजीन, गोलियाँ और कुछ स्लीपिंग बैग उठा लाए। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहाँ पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइनें बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर 129A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी 129A और B दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। कैप्टन शेर शाम को 6 बजे वहाँ पहुँचे थे और हालात का जायज़ा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं, रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ 129B पर ही थे कि इंडियन फौजियों ने जवाबी हमला कर दिया। खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने तोपखाने से अपनी पोजीशन पर ही गोलाबारी की बात कही। जब दुश्मन फौजी बहुत करीब आते हैं तो फौजी उनसे बचने के लिए इसी किस्म का मुतालबा करते हैं। कर्नल अशफाक हुसैन आगे लिखते हैं, हमारी अपनी तोपों के गोले उनके चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और इंडियन जवानों की दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। तभी एक इंडियन नौजवान का बर्स्ट कैप्टन कर्नल शेर खान को लगा और वो नीचे गिर गए। बाकी पाकिस्तानी फौजियों को तो इंडियन फौजियों ने वहीं दफन कर दिया, लेकिन कैप्टन शेर खान के जसद खाकी को पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया। 18 जुलाई 1999 के निस्फ शब को मलीर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची के बैनुल अवामी हवाई अड्डे पहुंच गए थे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की मैयत वसूल की।
उनके दो भाई अपने आबाई गांव से वहां आए थे। कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं, सुबह 5:01 पर तैयारों ने रनवे को छुआ। उसके पिछले हिस्से से दो ताबूत उतारे गए। एक में कैप्टन कर्नल शेर खान का जसद खाकी था। दूसरे ताबूत में रखी लाश की शनाख्त नहीं हो सकी थी। उन ताबूतों को एम्बुलेंस में रखा गया और उस जगह ले जाया गया जहां हजारों फौजी और आम शहरी मौजूद थे। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने एम्बुलेंस से ताबूत उतार कर अवाम के सामने रखा। यहां खतीब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज के बाद इस ताबूत को पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारे पर दोबारा रखा गया। यह तैयारा कराची से इस्लामाबाद पहुंचा, जहां एक बार फिर नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के सदर रफीक तारड़ भी मौजूद थे। उसके बाद कैप्टन शेर की लाश उनके आबाई गांव ले जाई गई, जहां हजारों अफराद ने पाकिस्तानी फौज के इस बहादुर फौजी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। उनके इस गांव का नाम अब उनके नाम पर रख दिया गया है। इनका नाम जो है वो दारुल इस्लाम है। फिल वक्त ये मेरे साथ मौजूद है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मकबरे पर, और जो तमीराती काम है इसके ये जो है वो निगरानी भी कर रहे हैं, और कर्नल साहब को किसी हद तक जानते भी हैं। मैंने सोचा इस मौके से फ़ायदा उठाओ। सर आप ये बताइए कि आप कर्नल साहब के साथ रहे के बाद क्या देखा? इनका तो खैर मैं साथ रहा नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मैं आर्मी में था तो इसकी हमने इसकी जो ना सुनी थी कि ये इंडिया के अंदर तकरीबन 18 किलोमीटर अंदर गया हुआ था। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। तो माइक ये लगा हुआ है मेरे। ये जो इसने जो मतलब बहादुरी की है वो बेमिसाली है, ठीक है। वो इंडिया ने भी मतलब दुश्मन ने भी इसकी तारीफ खुद की है, ठीक है। अगर पाकिस्तान इसको निशाने दर नहीं दे रहे तो इसको निशाने दर हम खुद ही देंगे। कोई और बात आपने इनके बारे में सुनी हो? बस तो और ये है कि ये इसका शौक ही शुरू से जिहाद से था। अच्छा, शहादत का शौक था। शहादत का शौक था, ठीक है। और दूसरा ये था कि ये बिल्कुल ये नहीं समझता कि मैं अफीसर हूँ। ये जब भी इनके भाई कहते जब छुट्टी भी आता था तो हमारे साथ बाकायदा खेती बाड़ी वाला काम करता था। बिल्कुल ये मतलब नहीं महसूस करता कि मैं आर्मी में अफीसर हूँ। अच्छा, तो इसकी अदाएँ भी इस तरह बिल्कुल सादा माहौल और 5 वक्त नमाजी बंदा था माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इसको जो मकान दिया तो वो बेमिसाल है। चले जी, अल्लाह ताला जो है वो सबको शहादत की बहुत नसीब करे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं, और वैसे भी वो कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कौमें वही ज़िंदा रहती हैं जिसके सपूत उस पर अपनी जान निशावर करते हैं। वो कौमें कभी ज़िंदा नहीं रहती जिनके सपूत या जिनके जो बरखुरदार हैं या जिनकी औलादें हैं या जिनके नौजवान हैं वो जंग करने से भागते हैं या अपने दुश्मन से लड़ने से कतराते हैं, वो कभी ज़िंदा नहीं रहती कौमें। उनका नामो निशान तक मिट जाता है। एक छोटे से कमरे को कैप्टन कर्नल शेर खान के म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये मकबरा बनेगा तो ये म्यूज़ियम भी उसी के शायान शान होगा। ये कुछ ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं जो कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपनी मुलाजमत के दौरान, या मैं ये कहूँगा कि अपनी शहादत से पहले अपनी ज़िंदगी के दौरान हासिल की हैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से। ये शकरगढ़ 71 और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है ना वो मेरा ख्याल है कोई ट्रॉफी है 2022 में दी गई, ये शायद उनके नाम पर दी गई है। और ये क्या है जी, विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्राम हेडक्वार्टर FCNA। ओके, ये करण साहब की कैप्टन साहब की तस्वीर है। अच्छा, उनका चूँकि नाम ही कर्नल शेर खान था तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कैप्टन थे या कर्नल थे, तो मैं ये वजाहत भी कर दूं कि उनका नाम ही उनके वालदैन ने कर्नल शेर खान रखा था, और कहा यह जाता है कि उन्हें बचपन से ही फ़ौज में जाने का शौक़ था। इसलिए उनका जो असल नाम है यानी मुकम्मल नाम वो कर्नल शेर खान, और कैप्टन का उनका रैंक था जब वो शहीद हुए। ये तस्वीरें ये हमारे साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उससे जब कारगिल का मार्का हुआ, ये उनके वालिद का अपना कैप्टन कर्नल शेर खान के, ये उनके परेड की कुछ तस्वीरें हैं, ये उनके वालिद साहब, और ये गालिबन कारगिल के महाज पर ली गई कोई तस्वीर मुझे लगती है, लेकिन मैं ये कोई कंफर्म नहीं है कि वही हैं।
ये एक साइड पर तस्वीर रखी हुई है, इसमें उस वक्त के सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ीक ताड़ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के वालिद ग्रामी को दे रहे हैं तमगा। इस तस्वीर में जो है वो कैप्टन कर्नल शेर खान अपने एक दोस्त के साथ खड़े हैं, पहाड़ी इलाका है लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये कौन से इलाके की तस्वीर है। ये एक तलवार उन्हें गिफ्ट मिली हुई है, ये उसकी तस्वीर है। ये स्नाइपर टीम 12 एनालाई यल्द्रम FCNA इंटर यूनिट स्नाइपर कंपटीशन 1998, ये उसकी एक तस्वीर है जिसमें जो दरमियान में खड़े हैं मेजर जनरल अली मोहम्मद जान और अगजई, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर भी रहे, ये उनकी तस्वीर है। इसमें कर्नल हैं शेर खान, इसमें कर्नल शेर खान हैं, ये जी ये मेजर जनरल अली मोहम्मद जान औरंगज़ेब के साथ ये कैप्टन कर्नल शेर खान अपनी शहादत से मुश्किल एक साल पहले की तस्वीर है, क्योंकि जुलाई 1999 में कारगिल का मार्का हुआ था। ये वो वर्दी जो कैप्टन कर्नल शेर खान ज़ेब-ए-तन किया करते थे, ये साथ उनका हेलमेट रखा हुआ है, और ये NLI की जो है वो कैप है। NLI पहले जो है वो एक रेजिमेंट नहीं होती थी, लाइट इन्फेंट्री यूनिट होता था नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नाम से, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान को जब निशान हैदर दिया गया तो उसके एतराफ़ में उसे बाकायदा रेजिमेंट का दर्जा दे दिया गया। पहले रेजिमेंट नहीं थी, ये बाइक थी जी, कैप्टन कर्नल शेर खान इस बाइक को चलाया करते थे जब वो यहाँ आया करते थे। ये भी उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये उनकी राइफ़ल है जो वो तो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखते थे। ये एक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक खंजर मिला करता है, ये वो रखा हुआ है इधर से, मेरा ख्याल सही नज़र आएगा, ये वो है। ये कप है शेर खान के नाम का, 37। ये भी कुछ यादगार तस्वीरें हैं, और ये दरमियान में कैप्टन कर्नल शेर खान। इस छोटी सी जगह पर एक शेर सो रहा है, और इत्तेफाक की बात यह कि उस शेर का नाम भी कर्नल शेर खान ही है। आफरीन है उन माओं पर जो इस तरह के सपूतों को जन्म देती हैं, जो अपनी जान अपने वतन पर निछावर करते हैं, क्योंकि वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जिनके सपूत उनके लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। वो कौमें सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं जिनके लोग या जिनके अफराद अपनी कौम के लिए कुछ करने से घबराते हैं, वो कौमें अल्लाह ताला उनका नामो निशान तक मिटा देता है। और ये एक कानून कुदरत है कि अगर आपने जीना है तो आपने सामने वाले को मारना है, यानी दुश्मन को मारना है, और ज़िंदा कौमें यही करती हैं कि वो ज़िंदा रहने के लिए अपने दुश्मनों को जड़ों से उखाड़ने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करती। मैंने ज़िक्र किया कि हमारे दुश्मनों ने हम पर चार जंगें मुसल्लत की, और चारों जंगों में हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर ये साबित कर दिया कि हम जिंदा कौम थे, जिंदा कौम हैं, और जिंदा कौम रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।